तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनी एक ब्लॉग। आपको जसलीन और अंकित की शादी का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, और आप लोग सब कैसे हैं ये भी बताइएगा। तो अभी तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और मुझे लग रहा है किचन में कुछ स्पेशल बन रहा है। आज मम्मी कुछ स्पेशल बना रही हैं, तो आइए चले देखते हैं। हेलो मिनी, हाय। आज क्या स्पेशल बन रहा है? भूख लगी है बहुत तेज और तैयारी तो आज मैंने सोचा कुछ स्पेशल बनाओ। स्पेशल ही बन रहा है आज। पनीर दो प्याज़े तुमने खाया होगा, बहुत मशरूम दो प्याज़े भी खाया होगा, पर मेरे हाथ का आज बना हुआ। आज देखते हैं मम्मी और कैसे बना रही हूँ वो भी देखो। तो ये क्या क्या अभी सामान रखा है आपने? सबसे पहले तो मशरूम दो प्याज़ा में तो प्याज स्लाइस की है, ये तो सबसे पहले चाहिए। तो ये दो प्याज के मैंने स्लाइस किए हैं, एक बड़े प्याज का बारीक चॉप किया हुआ है, और टमाटर दो ये पीस के रखे हैं, और बाकी ये अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच, और ये 10 से 12 काजू को मैंने पीसा है, ड्राई पाउडर बना लिया है, बाकी आधा चम्मच जीरा और 2-3 तेज पत्ता और इतनी दालचीनी एक, और 3-4 छोटी इलायची, उनको थोड़ा मैंने ऐसे उसका मुंह खोल दिया कि उसका फ्लेवर आ जाए, और ये है थोड़ी सी जावित्री, इसका फ्लेवर भी आता है, और बाकी ये हल्दी है 1/4, आधा चम्मच लाल मिर्च और कश्मीरी आधा चम्मच, इसी से रंग होगा, और ये है किचन किंग मसाला, और ये गरम मसाला घर का पंजाबी गरम मसाला पिसा हुआ, और ये है आधा चम्मच, ये मैंने कसूरी मेथी को थोड़ा तवे पे भून के उसको थोड़ा क्रश कर लिया है, ठीक है। और लास्ट में तो ये भी चाहिए हमें, धनिया पत्ता मैंने काटा, और ये या तो आपके पास क्रीम है तो ठीक है, आज मेरे घर पे क्रीम ख़त्म हो रही थी तो मैंने सोचा ताजी मलाई को ही क्रीम बना ले। देसी जुगाड़ है, देसी जुगाड़ है। तो ये मम्मी जी का देसी जुगाड़ है। और सबसे पहले तो मशरूम का नाम तो लिया ही नहीं हमने, जो सर मेन ये मशरूम को मैंने अभी सिंपल पानी में वॉश किया है, पर इसे अच्छी तरह वॉश करने के लिए मुझे गर्म पानी में थोड़ा 2 मिनट के लिए इसे गर्म पानी में डालूंगी, थोड़ा सा नमक डालूंगी गरम पानी में, थोड़ा सा नमक डाल के हाँ वॉश हो जाएगा अच्छी तरह से, इसे 2-3 मिनट ही रखना है, ज्यादा नहीं। वैसे कितना टाइम लगता है इस डिश को बनाने में, मतलब अगर आपके पास मसाले रेडी हो? हाँ, इसको तो देखना, अभी मैं बनाऊंगी, देखना नोट करना टाइम कितना टाइम लगता है, बस ये है कि सारा सामान अगर हमारा रेडी है तो झटपट बनती है, इसलिए मैं सबको सलाह दूंगी कि कुछ भी कोई भी सब्जी बनानी, कोई भी रेसिपी बनानी है, पहले आप सारा मसाला तैयार कर लो जो जो डालना है, तो उससे क्या है फटाफट चीज़ें बन जाती, नहीं तो बीच बीच में सामान ढूंढते रहते हैं, जीरा कहाँ रखा है या कुछ भी मसाला ढूंढना पड़ता है, कसूरी मेथी कहाँ पड़ी है पहले ढूंढो, ऐसे पूरा आपका सामान तैयार होगा तो फटाफट सब्जी बनेगी। हाँ, और आपको सब चीज़ें आप के सामने भी दिखेंगी तो फटाफट आपसे अब बनाने में टाइम इतना नहीं लगेगा जितना सामान इकट्ठा करने में लगता है। तो इसलिए अब मैं इसमें थोड़ा सा फ्राई पैन ले लूँगी, इसमें मैंने थोड़ा तेल डालूंगी 2 टेबल स्पून। अब सबसे पहले ये जो स्लाइस किए हैं प्याज इनको मैं हल्का सा सेकूंगी, वैसे ही ट्रांसपेरेंट हो जाए, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं इसको करना, हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए, 2-3 मिनट लगेंगे। और इधर मैंने जो मशरूम रखे थे ये भी साथ के साथ हो रहे हैं, मशरूम मैंने पहले रख दिए थे, इनको अब मैं छान लूँगी पानी पर। मशरूम ऐसे हो गए हैं, छान लिया इनको, गैस मैंने सिम कर दिया, और अब प्याज को मैं निकाल दूंगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं सेकना, ये बस ऐसे ही कलर चेंज हो जाए, जैसे हल्का सा ट्रांसपेरेंट।
अब इसी तेल में सूखे मसाले जो दालचीनी और छोटी इलायची और तेज पत्ता एंड जीरा और इनको थोड़ा सा हल्का सा सेकना है। उसी तेल में मैंने लिया है जिसमें प्याज मैंने स्लाइस वाले थोड़े से किए थे फ्राई। ये सूखे मसाले भूनने के बाद अब इसमें मैंने प्याज ये जो चॉप किया हुआ वो डाल दी हूँ। एक बड़ा प्याज चॉप किया था इसको तो फ्राई करना थोड़ा सा हल्का सा रंग चेंज हो जाए बस इतना ही करना। ये आप देखिए प्याज हल्का सा फ्राई हो गया। अब इसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया एक चम्मच के करीब। हल्का सा सौते करके इसमें अब दो टमाटर इस ऐसे जो मैंने वो डाल दिए हैं। इस मसाले को अगर हमने तब तक भूनना है जब तक ये इसका तेल अलग ना हो जाए। आज मैंने सरप्राइज देना था बच्चों को पर बच्चों को पता लग गया कि हाँ भी आज किचन में कुछ नया बन रहा है क्योंकि घर में हमने कभी बनाया ही नहीं। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं। बाजार तो खाते ही रहते हैं पर जो खुद के हाथों का बनी चीज तो स्पेशल होती है ना। गैस को सिम कर लेते हैं। अब इसमें हमने सारे सूखे मसाले डाल रहे हैं जैसे कि ये हल्दी 1/4 चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे रंग आएगा अच्छी तरह से। ये है किचन किंग मसाला 1 चम्मच और आधा चम्मच पंजाबी गरम मसाला और ये है कसूरी मेथी। थोड़ा सा जैसे कि 2 चम्मच बटर मैंने पानी के डाले हैं कि हमारे सूखे मसाले जले ना नीचे लगे ना। अब इसमें जो मैंने मशरूम अच्छे से धो के वो डाले हैं। ये मशरूम 200 ग्राम है। मशरूम को 2-3 मिनट मसाले के साथ भून के अब इसमें काजू जो मैंने पाउडर कर रखा था वो डालना है और ये जो मेरी होममेड क्रीम वो डालना है और इसको साथ साथ चलाते रहना। आपने एक बात नोट की होगी सबने कि मैंने नमक नहीं डाला। मैं सब्जी में हमेशा नमक बाद में डालती हूँ खास करके ये जैसी स्पेशल डिश क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि पहले क्वांटिटी कितनी है उसी हिसाब से नमक डालते हैं। अगर कहीं ज़्यादा नमक हो गया क्वांटिटी के हिसाब से इसलिए बाद में डालती हूँ हमेशा। अब हमने उस हिसाब से नमक डालना अपने स्वाद अनुसार। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है इसकी शक्ल देखो। देखा जितना जितनी ले आज लंच इतनी बढ़िया सब्जी बना के दे रही हूँ। इंतजार का फल मशरूम होता है। जैसे नमक डाल के मैंने थोड़ा सा इसको 1-2 मिनट और फ्राई कर लिया कि नमक अच्छी तरह रच जाए। अब इसमें हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड करेंगे। ये
ये सब्जी हम पराठों के साथ, पूरी के साथ, लच्छादार पराठा मिल जाए, मजा आ जाए। सब्जी ये तैयार हो गई है, हमें जितनी ग्रेवी चाहिए थी, अगर आपको कम ग्रेवी चाहिए तो आप पानी कम डाल सकते हैं। तो थोड़ी सी तो चाहिए ग्रेवी रोटी के साथ खाने में, तो और इसमें थोड़ा सा धनिया थोड़ा सा बचा लेती हूँ गार्निश के लिए लास्ट में। ये मेरी सब्जी तैयार है, मशरूम दो प्याज़ा, अब धनिया से थोड़ा गार्निश कर देते हैं। मैंने तो टेस्ट कर ली, आप तो देखो आप भी टेस्ट करके कैसी बनी है, आप भी ट्राई करो एक बार फिर मुझे बताना। बहुत ही टेस्टी बनी है मम्मी जी ये सब्जी, बहुत ही रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी घर में बनाई है आपने, क्या बात है। थैंक यू। और आप भी मुझे जरूर, और क्या चाहिए, और आप भी जरूर ये ट्राई कीजिएगा रेसिपी घर पे, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। बस जो सामान है सारा वो आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, सब्जी आपकी जल्दी बन जाएगी। और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट व्लॉग के लिए। हम कुछ सरप्राइज दूसरी वीडियो आपको दिखाएंगे, या तो न्यू रेसिपी होगी या फिर कुछ भी। मेरी रेसिपी नेक्स्ट तो देखनी है ना आपने, बस देखते रहो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।